हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास पुटिप्रमान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरी दीदी ने नाश्ता पानी सब बना लिया है। मैंने घर पर झाड़ू लगा दिया और बाकी जो काम है वो सारे कंप्लीट कर लिए। हम यहाँ सब मिल बांट के कर लेते हैं और खुशबू जो है बर्तन धो रही है। तो कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोग का एक सवाल था। आप लोग कई दिनों से एक ही बात कह रहे थे कि आप कैसे तैयार होती हैं, कैसे मेकअप करती हैं, आप बताइए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेकअप मैं कुछ खास ज़्यादा करती नहीं हूँ। ना मैं कुंवारी थी तब करती थी, ना मैं अब करती हूँ। फिर भी मैं क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, आपको ज़रूर दिखा दूँगी और ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगी नहाने और नहा के जब आऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या लगाती हूँ, क्या नहीं लगाती, सारी चीज़ें और मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, तब भी मैं वो यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा धो के आऊँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दे के इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। फ्रेंड्स, फाइनली देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। ये देखिए मैंने ये लिपस्टिक पहना है और आप सोच रहे होंगे कि कैसे नहाई है कि बाल नहीं धुले, यानी कि शैम्पू नहीं किया। तो फ्रेंड्स, उसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि मैं हफ्ते में दो बार ही शैम्पू करती हूँ। अब मैंने दो दिन पहले ही शैम्पू किया था और अभी बालों में ना ऑयलिंग भी की है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एकदम बेकार हो गए हैं बाल। तो उसके बाद ही अब मैं करूँगी। और दो रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है कि आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन मैं सादा पानी से नहाती हूँ, साबुन यूज़ नहीं करती और ना ही शैम्पू, क्योंकि आज के दिन बाल नहीं धोते, ना ही घर पे पोछा लगता है। ये उन लोगों को पता होगा जो लोग बृहस्पति वार का व्रत कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो विष्णु जी के भक्त हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि मैंने भी विष्णु जी की पूजा कई सालों तक की है। तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को आज भी कि बृहस्पतिवार के दिन जो नॉनवेज है वो नहीं खाया जाता, बाल नहीं धोए जाते, साबुन नहीं लगाया जाता। तो एक काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं मैं मानती हूँ, स्पेशली बृहस्पतिवार के दिन। तो इसीलिए मैंने सिर्फ सादे पानी से ही नहाया। तो कमिंग टू द पॉइंट, मेरा मेकअप जो आप लोगों को जानना है, तो मैं आपको पहले बैक कैमरे से कुछ दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी सिंगारदानी जो मेरे ससुराल से गई थी। ये देखिए, इसमें मेरे सिंगार की कितनी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, इस थैले में भी बहुत सारी हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, और भी बहुत रखा हुआ है। मैंने सूटकेस में रखा है, अभी नहीं निकाली मैं। तो ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, एक बार मैं आपको सिंगारदानी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सिंगारदानी, ठीक है। पर बहुत सारी मेकअप की चीज़ें होने के बावजूद भी मैं ख़ास मेकअप नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही करती हूँ, मुझे सादगी में रहना पसंद है। ये फाउंडेशन वाउंडेशन सब कुछ है मेरे पास, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें फाउंडेशन वगैरह सब कुछ है, मेकअप की टोटल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ये शादी के दौरान ही ख़रीदा गया, शादी के टाइम पे ही ख़रीदा गया था, जो ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने ख़रीदवाया कि शादी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। पर मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था। आप चाहे तो मेरी शादी वाली ब्लॉग देखिए, मैं उसमें कैसे दिख रही हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, ना ही मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे पास नाम के लिए है, मैं यूज़ नहीं करती। बाकी कहीं आना जाना हो तो फिर कभी अगर यूज़ करना हो तो कर लिया कहने पे किसी के, वैसे नहीं। और आमतौर पे मैं मेकअप कैसे करती हूँ वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। शादी के बाद मैं कैसे तैयार होती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने आज येलो सूट इसीलिए पहना है, आप लोग सोचेंगे बार बार यही सूट पहनती है। सूट मेरे काफ़ी सारे हैं, 3 सूट ही हैं जो मैंने अभी सिलवा के रखे हैं, 2 है, एक ये है, एक पिंक वाला है, और नहीं 3-4 सूट हैं, सॉरी
दो सूट ना सूटकेस में पड़ा हुआ है, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का। तो सूटकेस ऊपर मेरे हस्बैंड ने रख दिया है, तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। और आज ये पहनने का ये रीज़न इसीलिए है क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो मैं पूजा करूँगी और आज के दिन येल्लो येल्लो पहना जाता है। तो चलिए मेकअप करते हैं, ठीक है? आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फेस पे कुछ भी लगाने से पहले मैं ये मैंने न्यू सीखा है, शादी के बाद सीखा है, शादी से सीखा है, सॉरी, कि ये सीरम लगाना चाहिए। तो मैंने भी देखा है ये काफ़ी इफेक्टिव है, लगाने से चेहरे पे ना कुछ मतलब क्या कहते हैं वो फुंसे वगैरह नहीं आते और चेहरा अच्छा ग्लो करता है। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं ये शादी के बाद से मैं ये यूज़ करती हूँ। फॉर ऑल टाइप स्किन्स है ये, ठीक है? इसे सीरम है, चेहरे पे लगाने वाला सीरम है। तो पहले मैं ये लगाती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि शर्म लगाने के बाद ये लगाना चाहिए कि नहीं, पर मुझे ना थोड़ा सा ऑयली चीज़ें, क्योंकि चेहरा ना मतलब क्या होता है कि विंटर सीजन में कुछ ना लगाने से, ऑयली चीज़ें ना लगाने से ना, क्रीम वगैरह, तो चेहरा मतलब सूख सा जाता है, खसखसा सा होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ये वैसलीन मॉइस्चराइजर क्रीम जो है ये मैं लगा रही हूँ, मैं हमेशा ही लगाती हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये लगाना चाहिए या नहीं शर्म लगाने के बाद, बस मैं लगाती हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद एज यूजुअल पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम जो मैं लगाती आई हूँ, जब से मैंने लगाना चालू किया है तब से, तो मैं अभी भी वही लगाऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम, ये भी मैंने शादी के बाद से ही लगाना चालू, सॉरी, क्रीम कह रही हूँ, पाउडर, ये भी शादी के बाद से ही मैंने लगाना चालू किया है, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना एक अजीब सा ही निखार आता है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए, इससे, ये भी मेरे पास नहीं था, शादी के दिन ही खरीदा। ये देखिए, चेहरे पे अलग सा निखार आता है थोड़ा सा, मैं काली हूं ना, थोड़ी सी गोरी दिखती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा फेवरेट लिपस्टिक मैरून शेड, ये मैं लगाऊंगी। इसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। हो सकता है मुझे रेड वेड सूट करता हो, पर मैं, मेरे पास रेड है भी नहीं, और एक दिन मैंने लगाया था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अच्छा लग रहा है, बट वो मुझे सही नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं रहती इसमें। तो ये मैंने ऑन कैमरा ही मेकअप कर रही हूँ, मेरे पास कोई आईना वाईना मतलब शीशा वगैरह मैंने कोई यूज़ नहीं किया, बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऑन कैमरा ही मैं मेकअप शूट कर रही हूँ। देखिए, फ्रेंड्स, उसके बाद ये बिंदी, इसमें से मैं येलो कलर की बिंदी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे सूट के साथ ना ये मैच जा रहा है। बताइए कैसी है, सही है? कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है ये वाली।
फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। मेरा जो मेकअप है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी सिंदूर पहनना बाकी है और बाल बाकी है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप मांग सीधा क्यों नहीं निकालती या फिर बहुत भर के सिंदूर लगाती हैं। तो देखिए, हम सुहागन औरत को जहाँ तक मुझे लगता है सिंदूर हमेशा से, और जब खास करके जब नई शादी हुई हो, नई नई, तो सिंदूर हमेशा से ही मांग भर के लगानी चाहिए पूरी। और रही बात मेरे सीधे मांग की, तो मेरा सीधा मांग निकलता नहीं है, जल्दी नहीं निकलता है, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि बचपन से ही मैंने ऐसे बाल, मतलब मेरे बाल इस तरफ ज़्यादा रहते थे, आप लोगों ने देखा ही होगा पहले वाले ब्लॉग में, और उस इस वजह से वो मांग जल्दी निकलता नहीं है, निकलते निकलते आ जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे यहाँ पे बाल नहीं है, ये देखिए जलने के कारण मेरे यहाँ का बाल नहीं है। और मेरे कान पे भी ये देखिए, मेरा कान भी जलने के कारण सिकुड़ गया, तो मैं एक ही इयर रिंग पहनती हूँ। होप कि आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार ये कमेंट सुन के पढ़ के मैं थक गई थी। और मैं आप लोगों को क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, पर आप लोगों के मन में ये सवाल है तो आप लोगों को जानना ज़रूरी भी है, इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपने बाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी ना बाल, मैं कुंवारी जब थी तो बाल बहुत खोल के रखा करती थी, मेरे बाल उस वक्त अच्छे नहीं थे, पर शादी के बाद से पता नहीं क्या हुआ है मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, और मैं सच बताऊँ तो जुए भी हो गए हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा जुए हो गए हैं और बाल झड़ के तो एकदम बेकार हो गए हैं। और ये देखिए, और साथ और मतलब बहुत उलझते हैं, तो इसलिए मैं बांध के रखती हूँ। तो चलिए मैं बाल सेटअप कर लेती हूँ बालों का। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे अपना मांग निकालती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। इतना ही निकलता है फ्रेंड्स। ये देखिए, पहले मैं सिंदूर पहन लेती हूँ फिर अपने बाल बांधूंगी। सिंदूर पहनने से पहले क्या है ना, मैं ये वाली लिक्विड वाली सिंदूर पहले ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो जो पाउडर वाली लगाते हैं तो वो चिपक जाता है, तब वो गिरता नहीं है। मैं यहाँ पे पाउडर वाला सिंदूर लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिंदूर मैं लगाऊंगी अभी आपको पसंद। मैं मरून कलर का ढूंढ रही थी तो वो नहीं मिला मुझे। मुझसे जितना बन पाता है फ्रेंड्स मैं उतना ही करती हूँ, और मुझे खुद मांग भर के सिंदूर लगाना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। और कहते हैं कि पति की आयु बढ़ती है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मुझे अच्छा लगता है। पहन लिया फ्रेंड्स, बताइए कैसा है। आप लोग भी सोच रहे हैं पता नहीं कैसे उल्टा सीधा मेकअप कर रही है, तो मुझसे तो ऐसे ही बन पाता है। चलिए बाल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सब सिंपली ऐसे इसमें ना ये हेयर बैंड लगा दूंगी, ये देख रहे हैं, ये सिंपली हेयर बैंड लगा लूंगी। तो देखा आपने,
मैंने थोड़ा लूज रखा क्योंकि बाल कम है, दर्द होता है, इसलिए मैंने हेयर बैंड नीचे कर लिया क्योंकि ये लूज हो जाए थोड़ा सा। और उसके बाद ये कैसे भूल सकते हैं, मंगलसूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहाने के वक्त मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ना डर लगता है टूट टूट ना जाए। तो ये देखिए, ये है मेरा लुक, ऐसे मैं तैयार होती हूँ। बाकी चूड़ी तो हाथ में है ही, तो आप बताइए कि कैसा हुआ है मेरा मेकअप, बताइए अच्छी लग रही हूँ या कुछ कमी है या मैंने कुछ गलत किया है, तो मुझे कमेंट कर बताइए। मुझे मेकअप का कोई आइडिया नहीं, मैं जैसे करती हूँ, जैसे कंफर्टेबल हूँ, मैं वैसे ही कर रही थी और आपको करके दिखाया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ और ट्राई करना हो तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा जिससे कि मैं अच्छी लग पाऊँ। बाकी कोई विश्व सुंदरी तो हूँ नहीं, बस ऐसा मतलब मुझे ऐसा ही पसंद है। इसके अलावा मुझे, मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं आता है मेकअप करना। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को, छोटी सी ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मुझे पूजा करना जाना है और अभी 11:15 बज रहे हैं और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो मैं जा रही हूँ पूजा वूजा करने के लिए, फिर नाश्ता वास्ता करूँगी। तो अभी के लिए